तीन महीने और चार दिन के बाद आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। आज वो मां जीत गई जिसने ना जाने कितने ही दिन अपनी क्षत विक्षत बेटी जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए देखी थी। आज उस मां के कलेजे को सुकून पहुंचा होगा उसने जो अपने दर्द से कराहती बेटी को वादा किया था उसको पूरा कर दिखाया है। ये इंसाफ है उन सभी के लिए जो देश में कठोर कानून चाहते हैं, रेप गैंगरेप के दोषियों को एक सबक सिखाना चाहते हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ अगर दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होगा। 16 दिसंबर 2012 की रात को निर्भया के साथ वहशियाना ढंग से पेश आने वाले दरिंदों को आखिरकार 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटका ही दिया गया। भले ही दोषियों ने बचने के लिए तमाम तरकीबें निकाली, कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद भी कई तारीखें बदली गईं, कई बार निर्भया की मां को परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, अपनी बेटी के दोषियों को कई तारीखों से बचते देखना पड़ा, लेकिन आखिरकार इंसाफ मिला। गुरुवार देर रात को भी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई चली, लेकिन दोषियों के सभी पैंतरे फेल हो गए। और इसी के साथ ये पहला मौका है जब तिहाड़ में चार अपराधियों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। निर्भया के दोषियों को फांसी होने के बाद पिता बद्रीनाथ से बात की गई तो उन्होंने फांसी के बाद खुद को संतुष्ट बताया, कहा बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बेटे और बेटी में भेद ना करें, मेरी बेटी जिंदा नहीं है लेकिन मैंने उसे अपना बेटा माना है, मैं संतुष्ट हूँ लेकिन फिर भी शायद चैन से सो नहीं पाऊंगा, आज भी मुझे मेरी बेटी की सिंगापुर की तस्वीर याद है। वहीं जब निर्भया की मां आशा देवी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने आज के दिन को महिलाओं के नाम कर दिया, कहा देर से ही सही लेकिन न्याय मिला, हमारी न्यायिक व्यवस्था अदालतों को धन्यवाद, जिस केस में जिस तरह की एक एक पिटीशन डाली गई, हमारे कानून की कमियां सामने आई, संविधान पर सवाल उठा, लेकिन फिर एक बार हमारे देश की बच्चियों को इंसाफ मिला, निर्भया को इंसाफ मिला। सुबह करीब 4 बजे निर्भया के चारों दोषियों पवन, विनय, अक्षय और मुकेश को उठाया गया, सभी जेल नंबर 3 में अलग अलग कंडम सेल में बंद थे। कंडम सेल वो सेल होता है जिसमें फांसी से कुछ दिन पहले ही लाया जाता है, जहां दोषी 24 घंटे निगरानी में रहते हैं, बाकी दोषियों से अलग होकर रहते हैं, उनके व्यवहार की स्टडी और काउंसलिंग होती है। इन्हें सेल से जेल नंबर 3 का फांसी का तख्ता भी दिखता है जो सेल से करीब 100 मीटर दूर है। यहां चारों दोषियों का मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें चारों मुजरिम फिट मिले। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तिहाड़ जेल के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। चारों दोषियों को उनके सेल से निकाला गया। 5 बजे फांसी घर ले जाने की तैयारी होने लगी। चारों दोषियों को फांसी देने के लिए जल्लाद पवन अपनी तैयारियों के साथ कोठी में मौजूद थे। इस दौरान तिहाड़ जेल के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था, उस पल का गवाह बनना चाहता था जब निर्भया को इंसाफ मिलेगा। तय समय पर दोषियों को फांसी घर ले जाकर उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया गया था, जिसके बाद उन चारों को उनका डेथ वारंट पढ़कर सुनाया गया। और फिर ठीक 5:30 पर निर्भया के चारों दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश और विनय को फांसी पर लटका दिया गया। और उसके बाद जैसे ही खबर फैली तो तिहाड़ में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। हर कोई निर्भया को इंसाफ मिलते हुए देखना चाहता था। लोगों में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती थी। आपको बता दें कि निर्भया के दोषियों के फांसी पर लटकने के साथ ही ये पहला मौका था जब एक साथ चार दोषियों को फांसी दी गई। इससे पहले साल 2013 में अफजल गुरु को फांसी हुई थी। सन 1982 में एक साथ दो लोगों रंगा और बिल्ला को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। निर्भया मामले में जेल में अब तक 8 बार डमी फांसी हुई है और 4 बार डेथ वारंट जारी किए गए हैं।